नमस्कार। हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी, ने बहुजन नायक मानेवर साहब कांशीराम जी के सम्मान में संविधान बचाओ एवं सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का आयोजन हरियाणा प्रदेश से शुरू किया है। साथियों, इस रथ यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी करेंगे और उनका साथ केंद्रीय मुख्य प्रभारी श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और केंद्रीय प्रभारी श्री कुलदीप सिंह बालियान जी करेंगे। उनके साथ होंगे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजबीर सोरखी। यात्रा की शुरुआत फरीदाबाद से की जाएगी, जिसमें फरीदाबाद और गुड़गांव का रोड मैप इस प्रकार से है। पहला दिन फरीदाबाद से शुरू होगा जो 1 मार्च 2024 को शुक्रवार को 9 बजे से शुरू होगा और इसकी शुरुआत भंगोला से होगी। भंगोला से पलवल, पलवल से नयागांव, नयागांव से कटेसरा और छैसा, जहाँ पे मान्यवर श्री आनंद जी का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में जलपान की व्यवस्था भी है और अटाली, दयालपुर, मसगर, चंद्रावली में फिर से यहाँ पे स्वागत होगा। और यहाँ पे उसके बाद बल्लभगढ़ शहर के बीच में से होती हुई मथुरा रोड से होती हुई बल्लभगढ़ बस स्टैंड, बाटा मोड़, यहाँ पे अंबेडकर भवन में पूरी टीम का स्वागत किया जाएगा। बड़कल फ्लाईओवर, अनखी चौकी, बड़कल झील, पटेल चौक, भगत सिंह चौक और उसके बाद में बुधविहार, बुधविहार मोला होटल में मान्यवर साहब श्री आकाश आनंद जी का फिर से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद में 3 नंबर मस्जिद चौक, 1 नंबर NIT स्टैंड, भीमराव अंबेडकर हार्डवेयर चौक, 55 टी पॉइंट और गोची, गोची में फिर से यहाँ पे एक स्वागत का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पे आकाश आनंद जी का, श्री आकाश आनंद जी का स्वागत किया जाएगा। नगला, पाली और धोज, धोज में रात्रि का ठहराव होगा। और दूसरा दिन गुड़गांव लोकसभा में होगा। गुड़गांव लोकसभा 2 मार्च 2024 शनिवार के दिन होगा। इसकी शुरुआत ठेठर गांव से, यहाँ पे सबसे पहले श्री आनंद जी का स्वागत होगा। उसके बाद हरचंदपुर, डोला, अभयपुर में फिर से श्री आनंद जी का स्वागत समारोह होगा। उसके बाद दमदमा में फिर से श्री आनंद जी को स्वागत किया जाएगा। उसके बाद खेड़ला, बैलपा, सहजवास, रिठोस, भोंडसी और बादशाहपुर में फिर से पूरी टीम का आकाश आनंद जी के साथ में स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उमंग भारद्वाज चौक, बसई और बुढ़ेड़ा में फिर से पूरी टीम का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में बारसा झज्जर, यहाँ पे भाषण भी किया जाएगा, पूरी टीम का स्वागत भी किया जाएगा। और यहाँ से फिर मुंडाखेड़ा, देवरखाना, लगरपुर, लोहट, दरियापुर और बादली बस स्टैंड पे फिर से श्री आनंद जी का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में लाडपुर, पहलपा मोड़, बादली, बादली में फिर श्री आनंद जी का स्वागत किया जाएगा पूरी टीम के साथ। उसके बाद में माजरा, खेड़ी, पसोर स्टैंड, जागीरपुर में फिर से स्वागत है। और उसके बाद में आखिर में खोट, कोट, कोट में पूरी टीम और श्री आनंद जी का भरपूर स्वागत किया जाएगा। सम्मानित साथियों, हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए ये एक सुनहरा और ऐतिहासिक मौका है, इसको कतई हाथ से नहीं जाने देना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है और इस रथ यात्राओं को कामयाब बनाना है। आप सभी का इसमें स्वागत है। जय भीम, जय भारत, जय सर्व मान्यवर काशीराम, बीएसपी जिंदाबाद, बैन।